हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनको पीसीओडी के समय बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिस भी फीमेल को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनका मेंस्ट्रुएशन प्रॉपरली नहीं होता है, वो आज से इन सभी फूड आइटम्स को खाना बंद कर दे, तब देखिए कितनी जल्दी आपको इससे आराम मिलता है और कितने अच्छे से आपका मेंस्ट्रुएशन होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी गैपिंग। बिना गैपिंग कि आपका मेंस्ट्रुएशन सही से होगा। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। सबसे पहला जो फूड आइटम है वो ये है ग्लूटेन। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर ग्लूटेन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें रोटी की, जो गेहूं के आटे की रोटी बनती है, उस गेहूं के आटे की रोटी को हमें बहुत कम खाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए आप मल्टीग्रेन की रोटी खाएं, मतलब जो है कभी आप बाजरे की रोटी यूज कर सकते हैं, तो कभी आप रागी की रोटी भी खा सकते हैं, या फिर आप कभी जो है मक्के की, मतलब ऐसी बहुत सारी रोटियां होती हैं, इनको आप बना के खा सकते हैं। क्योंकि रोटी मतलब जो है जो इसकी रोटी होती है उसके अंदर ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप ग्लूटेन का यूज मतलब आपकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से भी आपके बॉडी के फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। और स्पेशली जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उन्हें तो बिल्कुल भी गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी चाहिए, उन्हें अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स की रोटी खानी चाहिए। क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स की रोटी खाएंगे वो जल्दी इजली मतलब इजली और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और ऊपर से आपको न्यूट्रिशन भी अलग अलग मिलेगा, बॉडी में प्रॉपर जो है फंक्शन होंगे, आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो है वो है हाई फैट डेयरी आइटम्स। जो डेयरी फूड आइटम्स होते हैं उनके अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है, तो उनका भी यूज कम से कम करना चाहिए। अगर आप डेयरी जो है मिल्क का यूज कर रहे हैं, दूध का यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करिए जो है एक अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में ही दूध का यूज करिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा फैटी वाले दूध का यूज करेंगे तो इससे भी आपका पीसीओडी डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए एक अमाउंट होता है उस अमाउंट में ही आप उसका यूज करिए। बहुत ज्यादा पनीर, बहुत ज्यादा चीज, या बहुत ज्यादा जो जितने भी डेयरी फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये हाई फैट मिल्क होते हैं। आपकी बॉडी में अगर फैट ज्यादा हो जाएगा तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी। अगर आप एक बार मोटे हो गए तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वो है फ्रूट जूस। आपके लिए फ्रूट जूस बहुत हेल्दी है, फ्रूट जूस पीना भी चाहिए, लेकिन जो मार्केटेड फ्रूट जूस होते हैं उनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। अब अगर मार्केट में जाके फ्रूट जूस पी के आ रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। स्पेशली पीसीओडी के समय अगर मार्केट वाला जूस पी रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। क्यों नहीं पीना चाहिए? जो मार्केट वाले जूस होते हैं उनके अंदर फाइबर हटा दिया जाता है, और उस जूस के अंदर मतलब जो है जूस तो कम होता है, पानी ज्यादा मिला के देते हैं, और वो हमारे लिए जो है बिल्कुल भी हमें उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। और अगर आप बॉटल में पैक हुआ जूस पी रहे हैं तब तो वो और भी ज्यादा हार्मफुल है आपके लिए। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि जो है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला गया है, कुछ ना कुछ केमिकल्स डाले गए, ऊपर से उन्हें कितने लंबे समय तक स्टोर करके रखा गया है, क्या कुछ उसके अंदर नहीं डाला गया है, फिर उनका यूज करते हैं, उनका यूज करने से कोई भी फायदा नहीं, वो हमारी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल होते हैं। इसीलिए घर पे खुद जूस बनाइए और खुद ही पीजिए, बाहर के मार्केट वाले जूस पीने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो है वो है बेकरी फूड आइटम्स। जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? मैदे से बने होते हैं, और हमारी बॉडी मैदे को इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। और उसके साथ साथ अगर आप डीप फ्राइड फूड आइटम्स का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें यूज कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा जो है सॉल्टी या बहुत ज्यादा चिली ये सब चीजों का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं, या बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, या बहुत ज्यादा जो है ऐसी फूड आइटम्स का यूज करें जिन्हें हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, तो सबसे पहले आपका ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ही सही से नहीं होगा। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा सही से तो हमें इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। नेक्स्ट जो है वो है स्टार्ची फूड। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे फूड आइटम्स नहीं लेने हैं ड्यूरिंग पीसीओडी जिनके अंदर स्टार्च ज्यादा हो। बहुत ज्यादा आलू भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज्यादा चावल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दो फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इन दोनों चीजों का एक प्रॉपर अमाउंट होता है, एक प्रॉपर
प्रॉपर अमाउंट में ही इनका हमें यूज करना चाहिए। अगला जो है वो है कॉफी या चिप्स। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप बड़ी पैकेट के चिप्स ले लेते और उसको खाते रहते खाते रहते, उसी की जगह 3-4 पैकेट चिप्स खत्म कर देते हैं। उसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी भी पीते हैं तो इससे भी आपका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए अगर आप खुद को पीसीओडी से बचाना चाहते हैं तो इन सभी फूड आइटम्स को खाना बंद कर दीजिए, तभी आपका मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर होगा, आपको इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या नहीं खाना चाहिए? ग्लूटेन रिच फूड आइटम का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, डेयरी फूड आइटम्स का यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, जो मार्केट वाले फूड जूस होते हैं उनका यूज नहीं करना है, हमें बेकरी फूड आइटम्स का यूज नहीं करना है, जितने भी स्टार्ची फूड आइटम्स होते हैं उनका यूज नहीं करना है, कॉफी और चिप्स का भी यूज हमें नहीं करना चाहिए। तो अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना के चलिए, एक प्रॉपर एक्टिव वाली हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करिए और एक प्रॉपर डाइट प्लान को बना लीजिए, एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करिए, एक प्रॉपर हेल्दी डाइट चार्ट को बना लीजिए, उसे आप फॉलो करिए, और आपका लंच, आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, ये सारा चीज कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, तभी आप अपने आप को जो है डिजीज फ्री रख सकते हैं, तभी आप अपने आप को डिजीज से बचा सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।